सरकार कितनी ही मेहनत कर ले फिर भी सरकार के नुमाइंदे सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ ही जाते हैं। ऐसा ही देखने को मिला देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां सुबह 9 बजे से खुलने वाली ओपीडी में 11 बजे तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, जिसके कारण अस्पताल में मरीजों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र का एकमात्र सबसे बड़ा सामुदायिक केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन यहां पर समय से डॉक्टर ही नहीं पहुंचते, जिससे लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ये अस्पताल विशेषकर महिलाओं के लिए है, बावजूद उसके डॉक्टर की गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। क्या हो गया? दो घंटे से खड़े डॉक्टर है अभी? कहाँ डॉक्टर ही नहीं। क्या बात हुई किसी से? कोई सब आदमी को जवाब देने आ रहे आ रहे आ रहे। कहाँ जा अपन तो? क्या हो गया? अरे वो उनको तबीयत खराब हो रही है, उनके उल्टे उल्टे हो रहे हैं। किनको लेके आए आप? लेडीज है। लेडीज है, कब से बैठे यहाँ पे? दो घंटे हो गए उनको। तो क्या डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? नहीं है यहाँ पे डॉक्टर। तो वही मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि जो डॉक्टर मौके पर नहीं थे उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। ओपीडी के डॉक्टर आज जो डॉक्टर पोस्टिंग थी उनको 11:30 बजे के आसपास आए हैं, उनको उसके लिए हम शोकाज देंगे। और इमरजेंसी डॉक्टर अपने ड्यूटी पे ही थे, लेकिन वो ओपीडी की तरफ नहीं गए, उनको कोई कॉल नहीं किया गया, इसलिए वहाँ पे समस्या हुई लोगों को, जिसको भविष्य में हम जल्द से जल्द ठीक करेंगे। और जो डॉक्टर अपने जो आज नहीं है उनको हम शोकाज जारी करेंगे और उनसे स्पष्टीकरण लेंगे कि उन्होंने बिना किसी मतलब इन्फॉर्मेशन के छुट्टी कैसे ली है। और जो डॉक्टर आज लेट आए उनको भी हम शोकाज जारी करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। अब देखना यही होगा कि आला अधिकारी और बड़े अफसर क्या कुछ कार्यवाही करते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।